हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम BSTC 2019। जी हाँ, प्री BSTC 2019 का क्या प्रोसेस रहेगा, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, जो भी है सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर आपको लिखना है BSTC2020.org.in। ये आपको बिना स्पेस लिखना है और इस पर सर्च ओके कर देना है। आपको BSTC की वेबसाइट खुलकर आपके सामने होगी। यहाँ पर आपको प्री BSTC से संबंधित सारी डिटेल दी गई होगी। यहाँ पर ये जो तीन डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको होम पेज जो कि BSTC प्री से संबंधित है सारी जानकारी यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, फिर BSTC फर्स्ट ईयर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। BSTC सेकंड ईयर के टैब में सेकंड ईयर से संबंधित जो रिजल्ट टैब है वहाँ पर आपको BSTC प्री का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट भी मिलेगा। और यहाँ पर गैलरी के नीचे है जो रीट का टैब, इसमें रीट से संबंधित जो भी जानकारी है रीट 2020 यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। यहाँ पर देखिए अबाउट BSTC 2020 यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं और गो ऑन यूट्यूब चैनल पर सीधे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए BSTC 2020 से संबंधित जो भी डेट्स है वो सब यहाँ पर, क्राइटेरिया क्या रहेगा वो सब दिया हुआ। यहाँ पर ऑप्शन ए में है शैक्षणिक योग्यता यानी पात्रता से संबंधित, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने प्रतिशत 12th में होने चाहिए वो दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आयु कितनी रहनी चाहिए पर कैंडिडेट, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे SC ST OBC MBC विधवा तलाकशुदा महिला जो भी दिव्यांग स्टूडेंट, उन सब के लिए जो आयु में छूट है वो यहाँ पर देखिए मेंशन की गई है। तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिलेगी। यहाँ पर एक ये नोट के रूप में जो दिया हुआ ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत ही विशेष चीज़ है, ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इनके संबंध में आपको बताना चाहूँगा, ये डेट पिछले वर्ष से संबंधित रखी गई है जो इस वर्ष भी संभावित डेट है। इन ये डेट ऊपर नीचे हो सकती है, 4-5 दिन का 10 दिन का इनमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन लगभग ये टाइम पीरियड इनका ये रहता है। इससे आपको ये अनुमान हो सकता है कि कब क्या प्रोसेस रहेगी। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो हर साल लगभग सेम रहती है, 450-400 रुपये, जो संस्कृत और जनरल दोनों में बढ़ता है उसके लिए 450, और जो सिर्फ संस्कृत लेता है वो 400 रुपये देता है। फिर यहाँ पर देखिए सिलेबस क्या है, वो सारा सिलेबस आपको बकायदा टाइप किया हुआ यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर हिंदी के जो टॉपिक है, संस्कृत के टॉपिक है वो भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको हिंदी या संस्कृत में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो यहाँ पर इस प्रकार है, जिसमें 50 क्वेश्चन पर पार्ट के आएंगे। टोटल आपके पास 4 पार्ट होंगे, 4 पार्ट में जो चौथा पार्ट है वो 2 भागों में होगा, जिसमें एक भाग इंग्लिश का फिक्स रहेगा और जो दूसरा पार्ट रहेगा चौथे का वो रहेगा हिंदी या संस्कृत का, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस प्रकार 200 क्वेश्चन 600 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नहीं है क्योंकि सरकार ने अभी तक BSTC 2020 की घोषणा जो नहीं की है। जैसे ही टाइम नज़दीक आएगा, जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट होने को रहेगी, तब यहाँ पर टेंडर जारी किया जाएगा। टेंडर में जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज BSTC प्री का जो बीड़ा उठाती है कि इस बार वो करवाएगी, तो वो यहाँ पर वेबसाइट बनाने का काम स्टार्ट करती है। तब तक वेबसाइट इस पर नहीं बनती है तो हर साल ये वेबसाइट चेंज होती रहती है। तो इस साल जो भी वेबसाइट होगी वो यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पर लगभग आपको BSTC प्री के संबंध में सारी जानकारी मिलेगी और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और वेबसाइट से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जो भी चीज़ आपको यहाँ पर है तुरंत मिलेगी और जो भी PDF रहता है, जो भी जानकारी रहती है वो यहाँ पर एकदम आप कभी भी देख सकते हो। YouTube में आपका डाटा है जो ज़्यादा वेस्ट होता है, उसमें डाटा चाहिए। कई बार होता है कि वीडियो की क्वालिटी और क्लियरिटी दोनों में फ़र्क आ जाता है, ठीक से नहीं चल पाती है। तो यहाँ पर आप आराम से वेबसाइट पर पढ़ सकते हो और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो और उठाना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।